ये पास हो गई, फिर बंद हो गई। नमस्कार, जनवास पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सानी। भारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं, कई जगह पुल धस रहे हैं और कई जगह कुदरत की भारी मार पड़ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील हीरानगर के अंतर्गत पड़ते गांव भगवानाचक में, जहां पर इस बरसात की मार एक परिवार भी झेल रहा है। बीते दिनों हुई भारी बरसात के जरिए उनकी एक छत, सिर्फ एक कमरा था, उसकी छत भी पूरी तरह से गिर चुकी है। मेरे साथ मौजूद वो दंपति हैं और उनकी गुड़िया है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की आपदा जो है उनके ऊपर बीती है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु है। पापा का क्या नाम है? पापा का नाम श्री रामदास। तो बेटा, ये जो कैसे गिरा ये घर आपका? ये बरसात के मौसम में बारिश हुई तो ऐसे ही। बारिश के चलते? हाँ जी। कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी का? नहीं, बस ऐसे बाजू को थोड़ी सी लगी थी। आपको लगी थी? हाँ। तो मेरे को ये बताइए, आपके पापा ने क्या डिपार्टमेंट से या किसी से अप्रोच की कि हमारा छत जो है गिर चुकी है, या कोई मदद के लिए आगे आया? हाँ, सरपंचाना जो हमारे गांव के जो उनके पास गए थे वो। तो मदद किसने की आपकी, कोई मदद के लिए आया आगे? हाँ, सरपंच आए थे ना। पापा ही कौन आया है मदद वास्ते तुम्हारी? राकेश चौधरी। राकेश चौधरी कुत्थों दा? बनियाड़ी सरपंच? बनियाड़ी सरपंच। अच्छा, के मदद की थी उन्हें तुम्हारी? उन्हें 20,000 रुपया दिया। 20,000 रुपया दिया तो है। हाँ जी, ठीक है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि आज जो आप रह रहे हो, वो ये जो तरपाल डली हुई है, इसी के अंदर आप अपना गुजारा कर रहे हो? हाँ, इसी के अंदर हम गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो खाना रहना, ये जितना भी बर्तन, मतलब इसी के अंदर? हाँ। तो पापा तुसे कुछ और अप्रोच की थी इस चीज वास्ते? तहसीलदार आया देखने, ना कोई होर आया कोई देखने सरपंच को बगैरा। कितना टाइम हो गया इस छत की डिगे दे? आज हो गया कोई 10-15 दिन, 15-16 दिन जी। ते मुड़िए तुसे कुसै ई अप्रोच कीती भाई तू कोई कम? ग्रामीण आवास योजना जो प्रधानमंत्री दी योजना, जो घर बनाने ताई पैसे थोंदे न, तुसें गी थोई कोई योजना? ना जी, ना कोई थोई। कोई योजना तुसें गी नहीं थोई? ते मेरी एह गल दसो कि एक शौचालय बनाने दी भी योजना है, क्या ओहदा कोई पैसा थोया तुसें गी? सानू कोई पैसा नहीं थोया गवर्नमेंट दा। ठीक है, कोई पैसा तुसें गी थोया? ना। तुसें कुतै अप्लाई कीता भाई मेरे को मकान नहीं है या मेरे को शौचालय नहीं है? बड़े सारे कीता, ये कोई हन सुनी है? कोई नहीं। बेटा कौन सी कक्षा में हो आप? 12th। 12th में। तो अब आप कैसे, मतलब अपनी जो पढ़ाई है वो किस तरह से करते हो आप? छत तो आपके पास है नहीं है, कहाँ करते हो आप पढ़ाई? यहीं पे। गौरतलब बात यह है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, चाहे काम कमरा कह लो, शौचालय कह लो या कुछ भी कह लो, इनको कोई भी चीज़ इस वक्त तक नसीब नहीं हुई। आखिर ये योजनाएं ऊपर से चलकर पहुंचती कहां तक हैं, सवाल ये पैदा होता है। आज एक परिवार इस तरपाल के अंदर अपनी ज़िंदगी बिताने को मौजूद है, मजबूर है कि अपनी ज़िंदगी यहां व्यतीत कर सके। कोई समाज से भी नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, अभी बरसात सर पे है। सोचने वाली बात यह है कि आज अगर बरसात होती है तो इस तरपाल के अंदर जिंदगी कैसे गुजारी जा सकेगी। अनुरोध करते हैं समाज संस्थाओं से, या फिर डिपार्टमेंट से, या फिर कंसर्निंग अथॉरिटीज से, कि थोड़ा सा संज्ञान लें और इस परिवार की मदद के लिए आगे आएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप सिंह के साथ पंकज सहनी, जनआवाज पत्रिका के लिए।